नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे नाटक के तत्व। प्रायः परीक्षाओं में विभिन्न नाटकों की तात्विक समीक्षा पूछी जाती है, जैसे स्कंदगुप्त नाटक की तात्विक समीक्षा, अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा या किसी भी अन्य नाटक की तात्विक समीक्षा। तो जब हम नाटकों की समीक्षा करते हैं तो किन तत्वों के आधार पर करते हैं, उसी का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो नाटक के तत्व के अंतर्गत ये छह तत्व माने गए हैं नाटक के। पहला है कथा वस्तु, है ना। नाटक के महत्वपूर्ण तत्व छह माने गए हैं वर्तमान समय में। पहला है कथा वस्तु या प्लाट, जिसे हम कथानक भी कहते हैं। दूसरा है पात्र या कैरेक्टर, किरदार। तीसरा है परिवेश या वातावरण, एनवायरनमेंट। चौथा है भाषा शैली और संवाद, है ना। भाषा शैली और समाज मतलब लैंग्वेज, स्टाइल एंड डायलॉग, अभिनेता और मंचीता कि मंच पर उसको कैसे अभिनीत किया जाता है, एक्टिंग एंड स्टेज क्राफ्ट। छठवां होता है प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव अथवा पर्पस। तो जब भी आपको नाटक की तात्विक समीक्षा लिखने के लिए परीक्षा में आती है तब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको किसी भी नाटक की तात्विक समीक्षा लिखनी है। और यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इनके अंदर में क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी होती है। मेरा जो लेक्चर होता है वह थोड़ा क्या डिटेल में होता है, मैं सभी बातों को बताना पसंद करता हूँ ताकि आप लोगों को फिर और कुछ भी पढ़ने देखने या सुनने की मतलब आवश्यकता न रहे। और मेरा जो लेक्चर होता है अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है, इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अंत तक जरूर देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें, तभी मेरी बातों को आप भली भांति समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक के तत्व। तो यह हो गया प्रस्तावना। हिंदी नाटक के स्वरूप निर्माण में भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही नाट्य दृष्टियों का योगदान रहा है, अतः भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों की संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है। मतलब जो नाटक के तत्वों के निर्माण में भारतीय काव्य दृष्टि, भारतीय काव्य शास्त्र और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य नाट्य दृष्टि है, इन दोनों का ही योगदान रहा है। इसलिए जब हम नाटक के तत्वों के संबंध में अध्ययन करेंगे तब भारतीय परंपरा और पाश्चात्य नाट्य परंपरा दोनों का ही अध्ययन करना और उसे समझना बहुत ही जरूरी है। भारतीय नाट्य सिद्धांत संस्कृत के नाटकों के आधार पर निर्मित हुए थे तथा पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों का आधार यूनानी नाटक थे। जो भारतीय नाट्य सिद्धांत हुए तो संस्कृत के जो नाटक थे पुराने, जैसे कालिदास के विक्रमोर्वशीयम इत्यादि कुछ हैं, तो मतलब कालिदास के जो नाटक थे, भवभूति वगैरह के जो नाटक थे पुराने, उनके आधार पर निर्मित हुए थे, है ना, भारतीय जो नाट्य सिद्धांत है वे। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला इत्यादि, अभिज्ञान शकुंतलम तथा पश्चिमी नाट्य सिद्धांत जो है यूनानी नाटकों के आधार पर निर्मित हुए थे। पश्चिम के जो नाट्य सिद्धांत है यूनानी नाटक उसके आधार पर निर्मित हुए थे। भारतीय आचार्यों ने नाटक के तीन अनिवार्य तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। तो जो भारतीय आचार्य हैं, भारतीय जो काव्य शास्त्र के जो हमारे अधिकारी विद्वान हैं, भारतीय आचार्य हैं, उनके अनुसार नाटक के तीन तत्व होते हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता और रस। वस्तु का अर्थ है कथा वस्तु अथवा प्लाट, नेता यानी पात्र जो कैरेक्टर्स, और रस यानी रचना से उत्पन्न होने वाला प्रभाव या उसकी अनुभूति, जिसका आमतौर पर हम रस के रूप में जानते हैं कि इस रचना को पढ़ने पर हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अनुभूति होती है, इसे कहते हैं रस। अर्थात रचनाकार द्वारा अनुभूत सत्य की दर्शक अथवा पाठक को प्रतीति अथवा अनुभूति, इसे रस कहा जाता है। मतलब रचनाकार ने जिस सत्य की अनुभूति की है उसी सत्य की अनुभूति दर्शकों को अथवा पाठकों को कराना, महसूस कराना। पाश्चात्य आचार्यों ने नाटक के छह तत्व माने। ऊपर हमने संस्कृत आचार्यों के बारे में देखा, पाश्चात्य आचार्यों ने नाटक के छह तत्व माने हैं, कथा वस्तु, पात्र, देश काल, संवाद, शैली और उद्देश्य। इसके अलावा वहां संकलन त्रय नाम की एक नई चीज का महत्व है, इस पर भी जोर दिया गया है। संकलन त्रय का तात्पर्य होता है नाटक में स्थान, समय और काल की एकता पर भी जोर दिया गया है कि नाटक किस स्थान पर रचा गया है, उसका समय काल क्या है, कालखंड क्या है और काल क्या है, किस समय वह रचा गया और उसका कालखंड क्या है। तो मतलब संकलन त्रय इन तीनों की एकता, सामंजस्य, हारमोनी, स्थान, समय और काल। पश्चिम में सुखांत नाटक, जिसे सुखांत मतलब कॉमेडी नाटक, और दुखांत नाटक ट्रेजेडी, दो तरह के नाटकों का प्रचलन रहा है जो क्रमशः कामदी और त्रासदी कहलाते हैं। सुखांत नाटक को कामदी या कॉमेडी कहते हैं और दुखांत नाटक को त्रासदी या ट्रेजेडी कहते हैं। इन दोनों प्रकार के नाटकों का प्रचलन रहा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत, पाश्चात्य जगत में। किंतु संस्कृत नाटक में त्रासदी को
सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया था। नायक का पतन अथवा उसकी मृत्यु दिखाना भारतीय नाट्य दृष्टि के अनुकूल न था, जबकि पश्चिम में त्रासदी को कॉमेडी से श्रेष्ठ और बेहतर रचना स्वीकार किया गया और उसके माध्यम से मानवीय भावों के परिष्कार की संकल्पना की गई। तो भारतीय जो नाट्य परंपरा है इसमें त्रासदी को अच्छा नहीं माना जाता है। भारतीय नाट्य परंपरा में यह माना जाता है कि नाटक का सुखद अंत होना चाहिए और किसी की मृत्यु दिखाना, करुणा दिखाना भारतीय नाटकों के अनुकूल नहीं था, जबकि पाश्चात्य जगत में त्रासदी को कॉमेडी से, ट्रेजेडी को कॉमेडी से ज्यादा बेहतर माना गया और उसके माध्यम से मानवीय भावनाओं के परिष्कार की कल्पना की गई कि त्रासदी के द्वारा मानवीय भावनाओं का विरेचन होता है, उसकी शुद्धता होती है, मन की भावनाएं शुद्ध होती है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत जैसे आपने देखा है। रचना दृष्टि के इस भेद के अनुरूप ही पूर्वी और पश्चिमी नाट्य तत्व में अलग अलग तरह की विशिष्टताएं विकसित हुई है। ये दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है, भारतीय नाट्य दृष्टि अलग है, पश्चिमी काव्य दृष्टि अलग है, इसीलिए इन दोनों के जो नाटक के तत्व हैं वे प्रायः अलग होते हैं। पश्चिमी नाटक में द्वंद्व अथवा संघर्ष को प्रधानता दी गई है और भारतीय नाटकों में रसानुभूति। तो पश्चिम के जो नाटक है, जैसे आप हेमलेट देखेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, हेमलेट के अंदर में अंतर्द्वंद है, मन में संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष है, जबकि भारतीय नाटक में रसानुभूति है। अभिज्ञान शाकुंतलम को आप पढ़ेंगे या किसी और नाटक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रस की अनुभूति होती है ना, भारतीय नाटक में ऐसा होता है। हिंदी नाट्यकारों ने तो न तो भारतीय सिद्धांतों को पूर्णतया स्वीकार किया और न पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों का अंधानुकरण किया। अब ये तो पुराने हमारे जो काव्य शास्त्र है, जो नाट्य परंपरा है, तो आधुनिक जो नाटककार हैं, हमारे हिंदी के जो नाटककार हैं, तो न तो उन्होंने प्राचीन भारतीय नाट्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है और न ही पूरी तरह से पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों का अंधानुकरण किया है, बल्कि उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए, दोनों ही दृष्टियों को अपनाते हुए उन्होंने स्थिति और प्रसंग के अनुकूल अपने नाटकों की रचना की। इस तरह नाटक के तत्वों के भीतर दोनों नाट्य दृष्टियों का समावेश हुआ है, साथ ही परंपरा से छूट लेकर नए प्रयोग भी किए गए। इस प्रकार भारतीय जो हिंदी के नाटककार थे, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य परंपरा और प्राचीन भारतीय नाट्य परंपरा दोनों से तत्वों को ग्रहण करते हुए प्रसंग के अनुकूल, समय के अनुकूल, अपने प्लाट और कथा वस्तु के अनुकूल उन्होंने नाटकों का सृजन किया और दोनों ही नाट्य दृष्टियों का समावेश किया और समय समय पर उन्होंने परंपरा से भी छूट लेकर विभिन्न प्रकार के नाटकों की रचना की और नए प्रयोग किए। अब हम देखेंगे नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नाटक का सबसे पहला प्रमुख तत्व है प्लाट, कथा वस्तु या प्लाट, है ना, या कथानक। कथानक ये सभी एक ही चीज है। कथा वस्तु, कथानक या प्लाट का अर्थ है घटनाओं या कार्य व्यापार की योजना, कि कौन कौन सी घटनाएं नाटक में शामिल रहेंगी, किन किन घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा। लेखक अपनी कथा वस्तु का चयन जीवन के किसी भी क्षेत्र से कर सकता है। कथा वस्तु के कई विषय हो सकते हैं, समाज, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदि को भी वह अपने नाटक का विषय बना सकता है कथा वस्तु के रूप में। नाटक में जीवन की क्रियाशील सजीवता होती है, मतलब नाटक बहुत जीवंत होता है। जब हम नाटक देखते हैं तब ऐसा लगता है कि वह हमारे जिंदगी का हिस्सा है, सजीव हो जाती है जिंदगी की घटनाएं, जीवन की घटनाएं उसमें दृश्य रूप में प्रस्तुत होती हैं। ऐसी स्थिति में नाटककार जिस कथ्य को चुनता है, जिस कहानी को चुनता है, जिस कथा को चुनता है, उसका संपूर्ण घटना व्यापार दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदगी की सभी घटनाओं को, हमारे दैनिक जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना कभी कभी मुमकिन नहीं होता है, है ना। तो सभी चीजों को वह दृश्य रूप में दिखा नहीं पाता है, क्योंकि वह जिंदगी की घटनाओं को दिखाता है। यदि हम नाटक और उपन्यास की तुलना करें तो पाते हैं कि उपन्यास का पाठक उसे कई बार बीच में से छोड़ छोड़ कर भी पढ़ सकता है, किंतु नाटक एक बार में ही देखा जाता है, अतः उसका समय 2 या 3 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे उपन्यास है, बीच बीच में 2-4 पेज छोड़ देने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप थोड़ा सा पढ़ के रख दिए, बाद में कुछ दिनों बाद फिर आपने पढ़ लिया तो आपका तारतम्य भंग नहीं होता, है ना, या छोड़ छोड़ कर भी पढ़ सकते हैं 1-2 पेज। जबकि नाटक को आपको कंटिन्यूअसली देखना होता तभी आपको समझ में आता है, इसलिए नाटक का समय जो है 2-3 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाटककार अपने कथ्य का कुछ अंश दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह जिंदगी की सभी घटनाओं को तो वहां पर दिखा नहीं सकता, तो कुछ को तो वह दृश्य के रूप में दिखा देता है और शेष आवश्यक स्थितियों और कार्यकलापों की सूचना पात्रों द्वारा प्रस्तुत कर देता है, कि पात्र वहां पर आते हैं, एकालाप करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ डायलॉग बोलते हैं अकेले, या फिर नेपथ्य से आवाज आती है कि ये घटनाएं यहां पर हुई हैं, और इस तरह बाकी स्थितियों अथवा घटनाओं को वह बोलकर बता देता है।
इस तरह कथानक में कार्य व्यापार दो तरह से आगे बढ़ता है, दृश्य घटनाओं के माध्यम से और सूच्य घटनाओं के माध्यम से। यह मैं आपको कथानक या कथा वस्तु के बारे में बता रहा हूं कि किसी नाटक का प्लाट कैसे आगे बढ़ता है। नाटक का प्लाट दो तरह से आगे बढ़ता है, एक तो हम जो दृश्य घटनाएं जिसे हम देखते हैं, और दूसरा जिसकी मात्र हमको सूचना दी जाती है, नेपथ्य से आवाज आती है या फिर कोई कैरेक्टर या फिर सूत्रधार आकर वहां पर हमारे सामने आकर बोलता है। कथानक भी दो प्रकार के होते हैं, पहले आधिकारिक कथानक और प्रासंगिक कथानक। आधिकारिक कथानक का संबंध नाटक के मुख्य कार्य या उद्देश्य होता है। यह कथा नाटक के प्रधान पात्रों से संबंधित होती है, तो जो उसके प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ कम प्रमुख पात्र होते हैं, गौड़ पात्र होते हैं, तो प्रमुख पात्रों से जो जुड़ा हुआ जो कथानक होता है, जो नाटक के प्रधान पात्रों से जुड़ा हुआ जो कथानक होता है, जो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य होता है नाटक का, कथानक का, उसे कहा जाता है आधिकारिक कथानक। यह प्रधान पात्रों से संबंधित होती है, जबकि प्रासंगिक कथा का अर्थ है प्रसंगवश आई हुई या गौड़ कथा। मुख्य कथा चल रही है, साथ में उसके कुछ और पैरेलल कुछ और कथा आ गई साथ में, जो गौड़ कथाएं हैं, जो प्रमुख नहीं है लेकिन फिर भी कहानी का हिस्सा है, इन्हें कहा जाता है गौड़ कथा। और इसका सीधा संबंध नायक अथवा नायिका से न होकर अन्य पात्रों से होता है। तो जो प्रासंगिक कथा का संबंध अन्य पात्रों से होता है, जो नायक या नायिका नहीं होते बल्कि उनके मित्र वगैरह होते हैं या फिर विलेन वगैरह खलनायक वगैरह होते हैं। किंतु प्रासंगिक कथा नाटक की मूल कथा यानी आधिकारिक कथा से सर्वथा स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि यह मूल कथा की गति को आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो अब यह मत समझिए कि जो प्रासंगिक कथा या गौड़ कथा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से ही प्रासंगिक कथा भी कथानक का माध्यम होता है, कथानक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इसकी सहायता से ही जो मूल कथा है, मुख्य कथा है, आधिकारिक कथा है, वह आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसमें कोमा और शकराज की जो कथा है वह प्रासंगिक कथा के रूप में प्रस्तुत की गई है। ध्रुव स्वामिनी तो उसकी लीड कैरेक्टर है, लेकिन कोमा और शकराज की जो कथा यहां पर लाई गई है, जयशंकर प्रसाद है जो इसका उल्लेख किया है ध्रुव स्वामिनी में, वह प्रासंगिक कथा है। अब संस्कृत के आचार्य ने कथा वस्तु के अंतर्गत कार्य की पांच अवस्थाएं मानी है, यह सब आपको याद करने वाली आइटम है, आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नित्याप्ति और फलागम। तो इसको आपको याद करना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको नहीं है। इसके बाद एक कथानक को पांच भागों में विभक्त किया गया है। कथानक को कितने भागों में विभक्त किया गया है भारतीय आचार्यों के द्वारा? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। सिर्फ इसका आपको नाम जान लेना पर्याप्त है, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब पश्चिमी नाटक में भी कार्य की छह अवस्थाएं मानी गई है। कार्य की छह अवस्थाएं, कथानक की छह अवस्थाएं मानी गई है, कौन सी है? पहला है, पश्चिमी नाटक में भी कार्य की छह अवस्थाएं मानी गई है, और ये अवस्थाएं कथा वस्तु के प्रमुख कार्य को प्रकट करती हैं। इसके बाद संघर्ष का सूत्रपात करती हुई कार्य को चरम की ओर आगे बढ़ाती है। पहले तो शुरुआत में बताएंगे कि ये कथा वस्तु है, शुरुआत होती है कथा की, फिर धीरे धीरे उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, आंतरिक संघर्ष होते हैं मन में, फिर कार्य चरम की ओर आगे बढ़ता है, प्लाट धीरे धीरे आगे बढ़ता है चरम की ओर, और चरम की ओर जब पहुंचता है तो एकदम क्लाइमेक्स के आसपास बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और दो पक्ष होते हैं जिनमें से एक पक्ष का पतन शुरू हो जाता है और उसकी असफलता की संभावना बढ़ने लगती है। और पांचवा, यह अवस्था भयंकर अंत के रूप में समाप्त होती है, और अंत में जब ऐसा नाटक समाप्त होता है तो भयंकर अंत के द्वारा यह समाप्त होता है, जैसे आपने हेमलेट वगैरह में देखा होगा या फिर कोई अन्य नाटकों में देखा होगा। तो वर्तमान के नाटक में कार्य व्यापार की तीन स्थितियां महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो नाटक खेले जाते हैं तो यह मान लिया गया है कि तीन कार्य व्यापार जो एक्शन होते हैं, ड्रामा में जो एक्शन होते हैं उसमें तीन स्थितियां महत्वपूर्ण होती है, आरंभ, नाटक प्रारंभ होता है, फिर वो विकास होता है उसका, नाटक आगे बढ़ता है, प्लाट आगे बढ़ता है, और परिणीति अथवा अंत, नाटक समाप्त होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह पात्र या फिर कैरेक्टर। पात्र नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक के अन्य सभी तत्व पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं, उनके आचार व्यवहार और वार्तालाप से नाटक की कथा वस्तु निर्मित होती है। तो जो पात्र या कैरेक्टर या फिर किरदार होते हैं वो नाटक के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनके माध्यम से ही आपस में पात्रों के संबंध निर्धारित होते हैं कि किस पात्र का किसके साथ क्या संबंध है और कौन सा पात्र किस प्रकार का है, और इनका जो आचार व्याचार है, जो बातचीत करने की जो शैली है, इनके जो कपड़े हैं, इनका जो वार्तालाप है, इन सभी से मिलकर कथा वस्तु का निर्माण होता है। नाटक का जो प्रधान पुरुष पात्र जो होता है नायक कहलाता है, हीरो कहलाता है, और प्रधान स्त्री पात्र जो होती है वह नायिका कहलाती है, हीरोइन कहलाती है। नायक और नायिका के अतिरिक्त नाटक में कुछ मुख्य पात्र भी होते हैं जिनमें से कुछ
नाटक के सहयोगी पात्र होते हैं और कुछ प्रतिकूल अथवा विरोधी पात्र होते हैं। तो नाटक में मुख्य पात्रों को छोड़कर हीरो हीरोइन को छोड़कर कुछ और पात्र भी होते हैं जो वे भी मुख्य पात्र होते हैं। या तो नायक या नायिका के सहयोगी होते हैं या फिर ये खलनायक होते हैं, प्रतिकूल पात्र अथवा विरोधी पात्र होते हैं खलनायक। प्रमुख विरोधी पात्र खलनायक या प्रतिनायक कहलाता है। तो जो सबसे प्रमुख, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं वैसे ही नाटकों में भी जो प्रतिनायक होता है, विरोधी पात्र होता है, वह खलनायक या प्रतिनायक कहलाता है। इन पात्रों के अलावा एक और विशिष्ट पात्र नाटकों में होता है जिसे विदूषक कहते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में हीरो के साथ में एक उसका दोस्त रहता है जो मस्खरा टाइप का रहता है, विदूषक रहता है, जोकर टाइप का रहता है, तो ऐसे ही नाटकों में होता है। और इस मस्खरे व्यक्ति को, इस पात्र को हम कहते हैं विदूषक। विदूषक भारतीय तथा पश्चिमी दोनों ही नाट्य परंपराओं में मौजूद है। चाहे भारतीय नाट्य परंपरा और पाश्चात्य नाट्य परंपरा, दोनों में विदूषक पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसे क्लाउन कहा जाता है, शेक्सपियर के नाटकों में इसे फूल भी कहा गया है, इसे क्लाउन कहते हैं। विदूषक हास्य व्यंग की दृष्टि के अलावा समग्र नाट्य व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यह केवल हास्य या व्यंग की सृष्टि नहीं करता बल्कि घटनाओं के आगे बढ़ने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने बेडौल रूपाकार, मतलब बेडौल दिखता है, काला दिखेगा, सिर में बाल नहीं रहेंगे, पेट बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा पेट रहेगा और हंसमुख रहता है, और इसके माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन तो करते ही है। इसके अलावा वह नायक का मित्र भी होता है, उसका सहयोगी भी होता है, और नायक जो गलती करता है उस पर व्यंग करता है, उस पर हंसता है और जरूरत के समय उसकी मदद भी करता है। आधुनिक नाटकों में विदूषक को एक अलग पात्र के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं रह गया है। प्रधान या गौर पात्रों में से किसी से विदूषक का कार्य पूरा कर लिया जाता है। बहुत से नाटकों में विदूषक की भूमिका होती ही नहीं। अब आजकल आपने फिल्मों में देखा है कि कुछ जो हीरो होते हैं स्वयं ही वो क्या वो बन जाते हैं, विदूषक बन जाते हैं, है ना। तो वैसे ही आजकल नाटकों में भी यह होता है कि अब हीरो के द्वारा ही यह सब काम कर लिया जाता है। कॉमेडियन का काम भी हीरो ही कर लेता है नाटकों में, जो मुख्य पात्र होते हैं वही कॉमेडियन के काम कर लेते हैं, इसलिए विदूषक की जरूरत आजकल नहीं रह गई है कॉमेडियन की। अब पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। पात्रों की संख्या के संबंध में नाटक में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। कथा वस्तु की आवश्यकताओं के अनुरूप पात्रों की योजना की जाती है, मतलब जैसा प्लाट का डिमांड रहता है, जैसी कथा वस्तु या कथानक की डिमांड है, उसकी मांग है, उसके हिसाब से पात्रों की संख्या होती है। इतना अवश्य ध्यान रखा जाता है कि उतने ही पात्र रखे जाएं जितने कार्य व्यापार के विकास के लिए जरूरी हों। मतलब घटनाओं के आगे बढ़ने के लिए जितने पात्रों की जरूरत होती है उतनी ही पात्रों को रखा जाए, यह जरूरी होता है, ऐसा ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि नाटक में कोई भी पात्र फालतू प्रतीत नहीं होना चाहिए। अरे इसकी जरूरत क्या थी, बिना इस पात्र के भी काम चल जाता है। इसी तरह जैसे आपने कई फिल्में देखी होंगी, उन फिल्मों में हीरोइन की भूमिका कुछ रहती नहीं, सिर्फ नाचने गाने के लिए इसकी भूमिका रहती है, तो ऐसा लगता है कि इनको जबरदस्ती गाना गाने के लिए रखा गया है। या कुछ कैरेक्टर को ऐसे डाल देते हैं हीरो हीरोइन को कि वो फिर गाना गाते रहते हैं बस, पेड़ों के इर्द गिर्द या फिर इधर उधर, लेकिन उनकी कोई भूमिका विशेष नहीं रहती है। इसी तरह पात्रों की संख्या इतनी अधिक ना हो जाए कि नाटक के समग्र प्रभाव में विघ्न पड़े अथवा रंगमंच पर पात्रों की अनावश्यक भीड़भाड़ दिखाई दे। तो प्रत्येक नाटककार को यह चाहिए कि बहुत ज्यादा पात्रों को न ले ले, ताकि नाटक स्मूथ ढंग से न चल पाए, स्मूथ ढंग से न खेला जा सके और रंगमंच पर, स्टेज पर बहुत ज्यादा पात्रों की भीड़ भाड़ दिखाई दे। घटनाओं की जरूरत के हिसाब से ही पात्र होने चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रों के कार्य से कथानक का कथानक विकसित हो और वे कथानक के अनिवार्य अंग हो। तो नाटक लिखते समय नाटककार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह जिन भी पात्रों का सृजन कर रहा है वह कथानक के लिए, कथा वस्तु के लिए अथवा प्लाट के लिए जरूरी हो और कथा वस्तु का या फिर प्लाट का अनिवार्य हिस्सा हो, जबरदस्ती वह पात्रों को न डाले। नाट्य शास्त्र में नायक के विशिष्ट उदात्त गुणों की चर्चा की गई है। मतलब नाट्य शास्त्र जो आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें बताया कि क्या क्या ग्रेट क्वालिटीज होने चाहिए हीरो में, क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, अच्छे ग्रेट क्वालिटीज, उदात्त गुण, सबलाइम क्वालिटीज। पश्चिम की प्राचीन नाट्य परंपरा भी नायक में श्रेष्ठ गुणों की अपेक्षा करती है, किंतु आधुनिक नाटक इस तरह की बंदिशें को स्वीकार नहीं करता। पश्चिम के भी जो नाटक है उसमें भी यह कहा गया है कि उसमें सबलाइम क्वालिटीज होने चाहिए, उदात्त गुण होने चाहिए नायक में, परंतु जो आधुनिक नाटक है उनमें यह सब पाबंदियां, इन सब बंदिशों की जरूरत नहीं रह गई है। आजकल तो नाटकों में कमियां भी दिखाई जाने लगी है। महान नाटक महान नायक की परिकल्पना को झटकते हुए सामान्य मानवीय दुर्बलताओं का समावेश नाटक में कराया गया और इसे हम कहते हैं यथार्थवादी नाट्य दृष्टि। सिर्फ जो नायक है वह सिर्फ महान ही ना हो, सिर्फ उसमें महानता वाले सभी गुण ना हो, बल्कि उसमें कुछ कमियां भी हो, दुर्बलताएं भी हो। वह हमारे जैसा हाड़ मांस का मानव है तो निश्चित रूप से उसमें कमियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, दुर्बलताएं भी होंगी। यथार्थवादी नाट्य दृष्टि तथा विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानवतावादी विचारधाराओं के प्रभाव स्वरूप
आज नायक का स्थान प्रधान पात्र ने ले लिया है। तब पहले जैसे जो नायक उदात्त गुणों से सर्वगुण संपन्न होना होता था, वैसा आजकल नायक नहीं रह गया है, बल्कि नायक आजकल प्रधान गुण रह गया है और प्रधान पात्र हो गया है नायक। और यह नायक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानवतावादी विचारधाराओं से प्रेरित होता है। तीसरा है परिवेश या वातावरण, एनवायरमेंट। नाटक लिखते समय या नाटक खेलते समय हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है। जैसे मौर्य काल के से संबंधित है नाटक, तो मौर्य काल के परिवेश और वातावरण जीवंत करना पड़ेगा, वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। गुप्त काल का है तो गुप्त काल से, सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का परिवेश या वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। परिवेश, इसे कहते हैं अंग्रेजी में एनवायरमेंट। परिवेश नाटकों का महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक में प्रस्तुत घटनाएं वर्णित न होकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आती हैं। अब नाटक में क्या है, दृश्य विधा है, दृश्य श्रव्य विधा है। बहुत सारी घटनाएं हम नाटक में सामने प्रत्यक्ष रूप से स्टेज पर देखते हैं। तो कथानक चाहे प्राचीन काल से संबद्ध हो या समसामयिक जीवन से, नाटक में वह वर्तमान रूप में ही दृश्यमान और मूर्त होता है। अब चाहे नाटक का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो या फिर मुगल काल से हो या फिर आप मौर्य काल से हो, गुप्त काल से हो या फिर वर्तमान समय से हो, जब हम नाटक देखते हैं तब हमको यह महसूस होता है कि हम उसी काल को देख रहे हैं, उसी कालखंड को देख रहे हैं, यार यही वर्तमान है। अतः जिस समय समाज और परिस्थिति को लिया गया हो वह हमारे सामने साकार हो उठना चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि यदि हमारा जो नाटक जो हम देख रहे हैं मौर्य काल का है, तो पूरा मौर्य काल स्टेज पर जीवंत हो जाना चाहिए और हमको लगना चाहिए कि हम मौर्य काल पर ही पहुंच गए हैं। उस कालखंड विशेष का समग्र परिवेश, उसका पूरा वातावरण, उस कालखंड का, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन और वैचारिक सरोकार की जीवंत अनुभूति नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से होनी चाहिए। हमको लगना चाहिए कि हम उसी कालखंड में जी रहे हैं, हम उसी मौर्य काल या फिर गुप्त काल में जी रहे हैं और उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उनके आचार विचार और डायलॉग सब हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम उसी कालखंड में हैं। साथ ही उनकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता भी स्थापित होनी चाहिए और हमको देखते हुए उसमें विश्वसनीय भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई नाटक देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, बल्कि हमको यह महसूस होना चाहिए कि यह सभी जीवंत है, प्रासंगिक है और विश्वसनीय है। परिवेश की सृष्टि नाटक के कथ्य, कथ्य मतलब कहानी, कथा, घटनाओं, पात्रों के रूप में, केश विन्यास के रूप में, भाषा, संवाद शैली, मंच सज्जा आदि सभी के द्वारा की जाती है। अब परिवेश का सृजन कैसे किया जाता है, वातावरण का सृजन कैसे किया जाता है, वातावरण का सृजन किया जाता है कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, पात्रों के द्वारा, उनका जो बाल जो बनाते हैं वो, केश सज्जा जो करते हैं उनकी भाषा के द्वारा, उनके संवाद के द्वारा, उनके शैली के द्वारा और मंच की सजावट के द्वारा उस परिवेश अथवा वातावरण को निर्माण किया जाता है। और थोड़ी देर के लिए हम उस नाटक के समय, समाज और स्थिति में प्रवेश कर लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए जब तक हम नाटक देखते रहते हैं, हम उसी परंपरा में, उसी कालखंड में पहुंच जाते हैं जिस कालखंड को नाटक में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसी समय और उसी समाज में हम पहुंच जाते हैं। देश काल या परिवेश की सृष्टि जितनी उपयुक्त होगी, नाटक उतना ही सार्थक होगा। तो देश काल और परिवेश जितना जीवंत होगा स्टेज पर, वह नाटक उतना ही सफल और सार्थक होगा। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इसका समस्त वातावरण क्रमशः मौर्य और गुप्तकालीन भारतीय समाज को प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो चंद्रगुप्त नाटक है वह मौर्य काल से संबंधित है और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वह गुप्त काल से संबंधित है। तो जब हम उस नाटक को देखते हैं तो हम उस कालखंड को हम महसूस करने लगते हैं, है ना, उसी समय उसी वातावरण में पहुंच जाते हैं। साथ ही भारतीय मुक्ति संग्राम के सांस्कृतिक सामाजिक नवजागरण के परिवेश की भी सृष्टि करता है। तो उस समय भारत गुलाम था और हमारी आजादी की लड़ाई बहुत जोरों पर चल रही थी, इसलिए वहां पर भारतीय मुक्ति संग्राम प्रतीकों के माध्यम से वहां पर व्यक्त हुआ है और सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण का परिवेश का भी वहां पर सृजन किया गया है, उसकी सृष्टि की गई है। और हमको इसको पढ़कर हमें बहुत ही आनंद आता है और हम उस परिवेश और उस वातावरण को महसूस कर पाते हैं। भाषा शैली और संवाद, भाषा मतलब होता है लैंग्वेज, शैली मतलब होता है स्टाइल और संवाद मतलब डायलॉग। नाटक के तत्वों में भाषा, शैली और संवाद तीनों का ही विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा या लैंग्वेज। नाटक में भाषा को बड़ा ही गंभीर दायित्व वहन करना पड़ता है। दृश्य विधा होने के कारण नाटक में हमारा भाषा से जीवंत साक्षात्कार होता है। भाषा के लिखित रूप के बजाय यहाँ उसके मौखिक रूप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नाटक में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से आपस में जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, आपस में बात करते हैं पात्र। और दृश्य विधा होने के कारण, श्रव्य और दृश्य विधा दोनों हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, इसलिए भाषा को बहुत गंभीर भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर जो भाषा है, तो भाषा का जो मौखिक रूप है, जो भाषा को जो बोला जाता है, वह लिखित रूप के बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम वहां पर सुनते हैं स्टेज में डायलॉग्स। लिखित भाषा और मौलिक भाषा, मौखिक भाषा के स्वरूप और प्रभाव में अंतर होता है। लिखित भाषा का हम पढ़ते हैं अलग प्रभाव पड़ता है, किसी भाषा को हम सुनते हैं तो अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूं तो मेरी बातों का अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि खाली आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अलग प्रभाव पड़ेगा। किंतु नाटक में दोनों का समन्वय अपेक्षित होता है, दोनों में हारमोनी होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जो बात पात्र कहें वह दर्शक को तुरंत संप्रेषणी हो, इसलिए उसमें स्पष्टता नितांत अपेक्षित है। मतलब पात्र जो भी डायलॉग बोल रहे हैं उसको तुरंत दर्शक समझ सके, सुन सके और समझ सके, संप्रेषित हो। और इसके लिए इसमें क्या डायलॉग क्या स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसके साथ ही इसमें सार्थकता और सारगर्भिता भी हो, सार्थक भी हो डायलॉग और सारगर्भित हो। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की क्षमता होनी चाहिए जो दर्शकों को प्रभावित कर सके, यानी किसी भी गंभीर या महत्वपूर्ण बात को पूरी सहजता और स्पष्टता से इस प्रकार कहा जाए कि उसकी बोलचाल की लय समाप्त ना हो। अर्थात डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि जब पात्र डायलॉग डिलीवर कर रहा हो, जब पात्र संवाद अपना बोल रहा हो, तो वह अपनी बात को पूरी गंभीरता के साथ सहजता और सरलता से कह सके और स्पष्ट रूप से कह सके, ताकि हमें उसमें लय उसकी समाप्त ना हो और हमको उसको लय भी महसूस हो जो सामान्य बोलचाल की भाषा में होती है। दूसरी ओर भाषा से एक अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षा और की जाती है कि वह पात्रानुकूल हो और परिवेश के उपयुक्त हो। मतलब भाषा में यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पात्रों के अनुकूल हो। पात्र बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा वैसी परिमार्जित परिनिश्चित होगी, यदि पात्र कम पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा वैसी होगी, गुमारू बोली होगी, और परिवेश के उपयुक्त हो। जैसे आप जैसे वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, तो उसके अनुरूप होना चाहिए, है ना, परिवेश के अनुरूप। यानी पात्रों के गुण, पात्रों का गुण कैसा है कि वह बहुत ज्यादा, कई लोग बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं, गुस्सैल होते हैं, या फिर कई लोग मधुर भाषी होते हैं, तो उनका गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है कि कम पढ़े लिखे हैं, सामाजिक हैसियत क्या है, कुलीन वर्ग से हैं, अमीर वर्ग से हैं कि गरीब हैं, कि सामान्य हैं, कि मजदूर वर्ग से हैं, मानसिक दशा कि उसका मेंटल डिस्पोजिशन क्या है, खुश है कि दुखी है कि गुस्से में है, तथा जिस समय और समाज के वे पात्र हों, मतलब वे जिस समय और समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे पात्र, उस समय और समाज के अनुरूप उनकी भाषा शैली होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। और शैली कैसी होनी चाहिए, स्टाइल, किसी भी कृति में कथ्य को प्रस्तुत करने का ढंग शैली कहलाता है। मतलब किसी भी कहानी को प्रस्तुत करने का ढंग, कथा को प्रस्तुत करने का ढंग कहलाता है शैली, और शैली नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कोई भी बात अपने आप में जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही उसके प्रस्तुत करने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कोई बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कोई रूखे सूखे ढंग से उसको बोल देगा तो उस बात में हमको उसकी शैली अच्छी नहीं, तो हमको प्रस्तुत करने, मतलब हमको सुनने में मजा नहीं आएगा। मतलब बात कितनी भी अच्छी हो, उसका प्रस्तुत करने का ढंग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मधुर बातों को मधुर तरीके से, मधुर शैली में जब आप प्रस्तुत करते हैं, तभी हमको उसकी मधुरता का एहसास होता है। शैली में दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेखक का अपना व्यक्तित्व और उसके द्वारा चुना गया विषय। तो जो शैली होती है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, लेखक की खुद की पर्सनैलिटी, उसका खुद का व्यक्तित्व, और दूसरा उसने कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय उसने चुना है। जैसे ध्रुव स्वामी है तो स्त्रियों की मुक्ति का संबंध वहां पर उठाया गया है विषय, तो उसके द्वारा चुना गया विषय कौन सा है, है ना, नारी मुक्ति का प्रसंग है वहां पर। वैसे तो विषय के अनुरूप शैली गंभीर विवेचन युक्त, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक या व्यंग्यात्मक होती है। जैसे यदि आपका गंभीर विषय आपने लिया हुआ है तो आपकी जो शैली होगी वह गंभीर होगी, विचार विमर्श युक्त होगी, विश्लेषणात्मक जिसमें विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विवरणात्मक जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, या फिर व्यंग्यात्मक सैटरिकल होती है। शैली के कई भेद होते हैं, मतलब लिखने की जो शैली होती है, नाटक लिखने की, नाटक करके कई प्रकार के शैली का उन्होंने प्रयोग करते हैं। प्रतीकात्मक शैली, जैसे आपने कामायनी को प्रतीकात्मक माना जाता है, प्रतीकात्मक शैली। हास्यपरक शैली, हास्य व्यंग हो, जैसे राग दरबारी आप पढ़ते हैं, ये तो खैर उपन्यास के बारे में बता रहा हूं। व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग, विचारपरक शैली जिसमें विचार करते हैं बहुत ज्यादा। मनोविश्लेषण परक शैली, मनोविश्लेषणवाद पर आधारित होता है। भावात्मक शैली, भावनाओं की प्रधानता होती है। प्रसन्न शैली, जिसको पढ़कर प्रसन्नता महसूस होता है, मजा रहता है। और पांडित्यपूर्ण शैली, जिसमें विद्वता का बोध होता है कि बहुत विद्वान है इसके पात्र और इसका जो लेखक है। तर्कपूर्ण शैली, जिसमें रीजनिंग और लॉजिक का स्थान होता है, तर्कपूर्ण होता है। खंडन मंडन की शैली, कुछ चीजों का समर्थन किया जाता है, कुछ चीजों का विरोध किया जाता है। और बोलचाल की शैली, ये विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं जिनके आधार पर नाटक की रचना करता है, करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि लेखक किसी रचना में एक ही प्रकार की शैली अपनाए। अब यह भी जरूरी नहीं कि एक नाटककार
एक नाटक में खाली एक ही शैली को लेकर चले, हाथ से परख है तो पूरा हाथ से परख है शुरू से आखिरी तक, बल्कि एक साथ कई तरह की शैलियों का प्रयोग भी किया जा सकता है या एक ही कृति में स्थान स्थान पर अलग अलग शैलियां भी प्रयुक्त हो सकती हैं। तो कोई भी नाटककार अपने नाटक में या तो केवल एक ही शैली के आधार पर अपनी नाटक का सृजन कर सकता है या फिर वो अलग अलग शैलियों को भी प्रयोग में ला सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के रीढ़ की हड्डी एक अंकी है जगदीश चंद्र माथुर का, इसमें इन्होंने प्रतीकात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली, इन तीनों ही शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है एक साथ। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में तर्क वितर्क पूर्ण शैली, मतलब जिसमें रीजनिंग है, लॉजिक है, तर्क वितर्क है, एक दूसरे से बहस, व्यंग्य पूर्ण शैली जिसमें व्यंग्य है और विश्लेषणात्मक शैली जिसमें विश्लेषण किया गया है और भावात्मक शैली, इन सभी का एक साथ इन्होंने प्रयोग किया है। अब संवाद या डायलॉग, डायलॉग तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद अथवा डायलॉग जिसे हम कथोपकथन भी कहते हैं, संवाद अथवा कथोपकथन को नाटक का प्राण कहा जाता है, क्योंकि नाटक एक दृश्य विधा है। हम स्टेज हम जाकर देखते हैं नाटक को, तो जो पात्रों को जो संवाद होते हैं या उसके प्राण होते हैं, आत्मा होती है, उसके बिना नाटक हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में वाणी का जो महत्व है वही नाटक में संवादों का है। तो हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वाणी का जो महत्व है, हमारे विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए और हमारे जीवन में जो वाणी का जो महत्व है, नाटक में वही महत्व संवादों का है, डायलॉग्स का है। अतः साहित्यिक विधाओं में लेखक अपनी ओर से भी कुछ कहता है, किंतु नाटक का लेखक अन्य साहित्यिक विधाओं में लेखक अपनी ओर से भी कुछ कहता है, किंतु नाटक का लेखक सब कुछ पात्रों के माध्यम से ही कहलाता है। अन्य विधा हम पढ़ते हैं, जैसे हम कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं या फिर उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसमें साहित्यकार अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ देता है, परंतु नाटक में साहित्यकार जो नाटककार होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, छुपा हुआ होता है, और नाटक के जो पात्र होते हैं उन्हीं के माध्यम से अपनी बात को कहलवाता है। पात्रों का व्यवहार और वाणी ही लेखक के कथ्य को दर्शक तक पहुंचाते हैं। तो लेखक का जो स्टेटमेंट है, जो नाटककार का जो स्टेटमेंट है, जो उसका कथन है, वह पात्रों के व्यवहार से हमको पता चलता है और उनकी वाणी से, उनके डायलॉग से हमको पता चलता है। पात्रों के चरित्र उद्घाटन में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब किसी पात्र का चरित्र कैसा है यह हमको कैसे पता चलता है, कि वह अपने डायलॉग कैसे बोलता है, उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि इसका चरित्र कैसा है, इस पात्र का कैरेक्टर। किसी पात्र के वचनों से उसके अपने बारे में परिचय मिलता है। कई बार स्वागत कथन होते हैं, अपने आप को बढ़ाते रहता है कोई भी कैरेक्टर या फिर दूसरे से बात करता है, तब उसके वचन से हमको पता चलता है कि यह कैरेक्टर किस तरीके का है, उसके बारे में परिचय मिलता है। साथ ही जो कुछ वो अन्य पात्रों के बारे में कहता है उससे अन्य पात्रों के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभी एक पात्र अगर दूसरा पात्र मौजूद नहीं है तो उसके बारे में कुछ बताता है तो हमको अन्य पात्रों के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी सदैव ही सीधी और स्पष्ट नहीं होती है। लेखक सदैव भाषा की अभिधा शक्ति से ही काम नहीं लेता, वह पात्र से व्यंजनात्मक और लाक्षणिक ढंग से भी बात कहलाता है। अब यहां पर जो पात्र हैं वो डायरेक्ट नहीं बोलते कि वह तो पूरा महामूर्ख है, बल्कि वह कुछ और अन्य शब्द बनाकर बोल देगा कि वह तो पूरा वैशाख नंदन है, वह महामूर्ख है। तो इस तरह घुमा फिराकर भी बात करने से डायलॉग थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से एक संवाद है, ये देखिए घुमा फिराकर बात कही गई है। इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूं कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है, मतलब क्या महिलाओं को देने से ही क्या गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ा है। तो इस टाइप का है एक्सचेंज से। तो ध्रुव स्वामिनी के वाक्य रामगुप्त के चरित्र की कई विशेषताओं को प्रकट करते हैं। तो रामगुप्त के बारे में ये सारी बताएं, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है इस स्टेटमेंट को पढ़कर, कि वह कायर है, कि कैसा है, कि साहसी है, कि बहादुर है। संवाद को नाटक की कसौटी माना जाता है। नाटक की कसौटी मतलब संवाद के आधार पर यह देखा जाता है कि यह नाटक कितना सफल है, क्योंकि कथ्य की संप्रेषणीयता में, कहानी की संप्रेषणीयता में, कहानी या जो कथ्य है, जो स्टेटमेंट है, उसकी संप्रेषणीयता में, उसके कम्युनिकेशन में संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि भाषा के मौखिक रूप यानी बोलने की दृष्टि से अस्वाभाविक हो जाए और दर्शक उपने लगे। इसलिए हमेशा नाटककार को यह ध्यान रखना चाहिए कि संवाद बहुत ही छोटे हों, सहज और सरल हो और स्पष्ट हो, ताकि दर्शक उससे उबे नहीं, और न ही विचार इतने बोझिल होने चाहिए कि अस्पष्ट हो जाए और उन्हें बोलचाल की सहजता अपेक्षित है। मतलब डायलॉग इतने भी क्लिष्ट और कठिन नहीं होने चाहिए कि जो दर्शक हैं वे उसको समझ ही ना पाए, उनके लिए बोझिल लगने लगे और नाटक को छोड़कर चले जाएं। तो इसमें बोलचाल की सहजता होनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नाटक के संवाद केवल रोजमर्रा के साधारण वार्तालाप की तरह हों।
अब इसका मतलब ये भी नहीं कि डे टू डे लाइफ में हम जो आपस में बात करते हैं कि हमारे नाटक के डायलॉग्स भी वैसे हों, बल्कि गौर करने की बात यह है कि दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न स्थितियों और स्तरों पर हमारी बातचीत का स्वरूप और शैली भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, परिस्थिति और भूमिका के हिसाब से हम बात करते हैं, स्टेटस और रोल के हिसाब से बात करते हैं। हम अपने पिता से अलग तरीके से बात करते हैं, अपने कार्यालय में अलग तरीके से बात करते हैं, अपने बेटे से अलग तरीके से बात करते हैं, छोटे बच्चों से अलग तरीके से बात करते हैं, या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अलग तरीके से बात करते हैं। इस प्रकार हमारा जो बोलने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। परिवार, विद्यालय, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, मित्र मंडली, विचार गोष्ठी आदि जैसे विभिन्न स्थलों पर हमारी भाषा और वार्तालाप की शैली अलग अलग होती है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग प्रकार की भाषा शैली और वार्तालाप की शैली का प्रयोग करते हैं। इसी तरह नाटक में भी होना चाहिए। इसी तरह यदि कोई अध्यापक है तो उसके बोलने की शैली अलग होगी। डॉक्टर, राजनीतिक नेता, संगीतज्ञ, साहित्यकार, न्यायाधीश, दार्शनिक, मजदूर, विचारक, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि विभिन्न सामाजिक हैसियत के लोगों की बातचीत में अपने अपने ढंग की विशिष्टता होती है। जैसा जिसका व्यवसाय होता है, जैसा जिसका प्रोफेशन होता है, वैसे उसके बात करने का लहजा होता है, उसका तरीका होता है। यदि नाटककार जीवन के इस वैविध्य को भली भांति देखता है और अनुभव करता है तो उसके नाटकों में संवाद जीवन स्थितियों के अनुकूल और यथार्थ होंगे। यदि नाटककार जो हमारे जीवन में जो यथार्थ जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जिन पात्रों को हम ये कोई नाटककार अपने समाज में देखता है, यदि जीवन की विविधता को देखता है, विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, उनकी शैली, उनके एक्सप्रेशन को वह देखता है, तब वह जीवन की स्थितियों के अनुकूल ही पात्रों का सृजन करेगा और उसके संवाद भी उतने ही सहज और सरल होंगे। नाटकों के संवाद बहुत ही बेहतरीन होंगे। संवादों का प्रस्तुति पक्ष भी नाटक में बड़ी भूमिका रखता है। ठीक है कि नाटककार ने बहुत अच्छा संवाद तो लिख दिया, लेकिन पात्रों के द्वारा उसका सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना, बोला जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेखक को चुनना होता है कि समग्र कथ्य का कौन सा अंश दृश्य और मौखिक रूप में सर्वाधिक संप्रेषणीय और प्रभावपूर्ण हो सकेगा। अब नाटक में बहुत सारे दृश्य होते हैं तो उसको यह समझना होता है कि इस दृश्य को मैं दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसे केवल हम आवाज के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि नेपथ्य से इसको बोल दिया जाए, मतलब किसी दृश्य को केवल बोल दिया जाए पीछे से, या फिर उसको दृश्य रूप में वहां पर प्रदर्शित किया जाए, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा। संवादों में स्वाभाविकता के साथ साथ, संवाद तो स्वाभाविक होने ही चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, साथ ही साथ वाक चातुर मतलब बातचीत की कुशलता अपेक्षित है। नाटक में जो भाषा है स्वाभाविक तो होना ही चाहिए, नेचुरल, लेकिन बात करने वाले जो पात्र होते हैं बातचीत में कुशल होने चाहिए। रंगमंच पर नाटक की सफलता या असफलता का आधार काफी हद तक उसके संवाद ही है। तो रंगमंच में कोई नाटक सफल होगा या असफल होगा उसका पूरा दारोमदार किस पर होता है, नाटक उसके संवाद पर होता है, डायलॉग पर होता है। अब संवाद कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय प्राचीन भारतीय नाटकों में तीन प्रकार के संवादों की चर्चा की गई है कि तीन प्रकार के डायलॉग्स होते हैं प्राचीन भारतीय नाटक में। पहला सर्वश्राव्य, दूसरा नियत श्राव्य, तीसरा अश्राव्य। ये सारी बातें आपको जो बता रहा हूं आपको, अगर यह प्रश्न आता है तो परीक्षा में लिखना अनिवार्य है। सर्वश्राव्य क्या होता है, मंच पर उपस्थित सभी पात्रों के सुनने के लिए होता है, यह कैरेक्टर आके कुछ बोलता है और सारे पात्र उसको सुनते हैं। दूसरा नियत श्राव्य कुछ पात्रों के सुनने के लिए होता है कि कुछ पात्र तो उसको सुन लेंगे और कुछ पात्र दूर में खड़े रहेंगे, नहीं सुन पाएंगे। इसके बाद होता है अश्राव्य, मंच पर खड़े किसी अन्य पात्र के सुनने के लिए ना होकर केवल दर्शकों के लिए होते हैं। इसमें केवल वहां पर स्टेज पर एक पात्र आएगा, वो कुछ बोलेगा, बाकी जो पात्र है उसको नहीं सुनेंगे और केवल जो होता है जो दर्शक होते हैं उसे उसको सुनते हैं, इसे कहते हैं अश्राव्य। इसे स्वागत कथन भी कहा जाता है। तो जो अश्राव्य है ना, इसे कहा जाता है स्वागत कथन, खुद से बातचीत, स्वयं से मोनोलॉग। इसका प्रचलन भारतीय नाटक और पश्चिमी नाटक दोनों में ही खूब रहा है, मतलब अपने मन से बात करना, केवल कुछ बात कर रहे हैं अकेले और केवल दर्शक लोग सुन रहे हैं। तो भारतीय नाटक हो तो पाश्चात्य नाटक हो, दोनों में इसका प्रचलन रहा है। आजकल भी स्वागत भाषण शैली प्रचलित है, मोनोलॉग शैली प्रचलित है। हालांकि बहुत से लोग इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं मानते, किंतु अच्छे अभिनेता इसे काफी प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। आज भी यह माना जाता है कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता कि यह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है कि अकेले कोई कैरेक्टर आकर बात करे और दर्शक लोग उसको सुने, परंतु जो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर होते हैं वो इसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से स्टेज पर आकर इसको चरितार्थ करते हैं। अब पांचवा है अभिनेता अथवा मंचीता। नाटक तो वास्तव में मंच के लिए लिखे जाते हैं। नाटक की सफलता किस में है, नाटक की सफलता मंच पर अभिनीत हो जाने में है, मंच पर उसको
नाटक को खेला जाए सफलतापूर्वक तभी उसे सफल माना जाता है। तो अभिनेता अथवा मंचिता, एक्टिंग अथवा स्टेज क्राफ्ट किसे कहते हैं? नाटक एक दृश्य विधा है, उसको हम जाकर देखते हैं, इसलिए मंचिता या रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने की क्षमता नाटक का अनिवार्य अंग है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि नाटक को सफलतापूर्वक रंगमंच पर स्टेज पर अभिनीत किया जा सके और उसे खेला जा सके। अन्य साहित्यिक विधाओं की रचना लिख दिए जाने पर पूर्ण हो जाती है, किंतु नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत होकर ही पूर्ण होता है। अन्य जितने भी साहित्यिक विधाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, गीत है, गजल है, इसको लिख दिया और कवि या लेखक का काम खत्म हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें नाटककार का काम कब खत्म होता है? जब उसके नाटक को सफलतापूर्वक मंच पर अभिनीत किया जाता है और उसे खेला जाता है, तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इस तरह नाटक और रंगमंच में घनिष्ठ संबंध होता है। नाटक और रंगमंच का एक दूसरे में शरीर और आत्मा के जैसा संबंध होता है। जो कृति रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत नहीं की जा सकती अथवा जो दृश्य रूप में प्रभावपूर्ण नहीं है, उसे नाटक नहीं कहा जा सकता, भले ही वह संवादक के रूप में क्यों ना लिखी गई हो। आपको मालूम है कि जो जयशंकर प्रसाद जी के बहुत सारे नाटक सही ढंग से रंगमंच पर अभिनीत नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें असफल नाटकों की श्रेणी में कहा जाता है कि रंगमंच के लिए नाटक असफल है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसे भले ही संवाद के रूप में लिखा गया हो, लेकिन जब तक उसे रंगमंच पर सही ढंग से अभिनीत न किया जा सके, वह नाटक असफल ही माना जाता है। इसीलिए नाटक में रंगमंची संभावनाएं होनी जरूरी है कि इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेला जा सकता है कि नहीं, यह संभावना उसमें होनी चाहिए। नाटक ऐसी कृति होनी चाहिए कि दृश्य रूप में प्रस्तुत और प्रभावी हो सके। नाटक की रचना ऐसी इस प्रकार से की जानी चाहिए कि जब उसे स्टेज पर खेला जाए तो अत्यंत प्रभावी हो सके। उसके पात्रों की योजना इस प्रकार हो कि अभिनेता उनका भली भांति अभिनय कर सके, मतलब नाटककार के द्वारा पात्रों का जो सृजन है, पात्रों की योजना इस प्रकार की जानी चाहिए कि जो अभिनेता हैं, जो हीरो हीरोइन वगैरह हैं, जो पात्र हैं, वे उसको अच्छे ढंग से निभा सकें। और अभिनय चार प्रकार का होता है, एक्टिंग भी चार प्रकार की होती है, है ना। भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय नाट्य परंपरा में अभिनय चार प्रकार के होते हैं। पहला है आंगिक अभिनय, मतलब शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, जैसे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना डुलाना, गर्दन को हिलाना, आंखों को हिलाना, कंधों को हिलाना, आंख को बंद करना खोलना इत्यादि। इसके बाद वाचिक, वाचिक मतलब जो बोलकर वाणी के द्वारा या संवाद के द्वारा जो अभिनय किया जाता है, वाचिक अभिनय कहलाता है। सात्विक अभिनय किसे कहते हैं? विविध भावों की हाव भाव द्वारा अभिव्यक्ति से, विभिन्न भावनाओं को, जैसे किसी को घूर कर देखना, मुस्कुराना या अपनी भावनाओं को लजा जाना, तो विविध भावों की हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति। और चौथा आहार्य, आहार्य का तात्पर्य है वेशभूषा, श्रृंगार और सारे सज्जा द्वारा, जो स्टेज को हम सजाते हैं उसके द्वारा, जो कपड़ा पहनते हैं, जो केश सज्जा करते हैं, अपने बालों को सजाते हैं या फिर कंघी करते हैं, जैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसा वेशभूषा धारण करते हैं, जैसा स्टेज को सजाते हैं, इसे कहते हैं आहार्य। नाटक की स्थितियां और संवाद ऐसे होने चाहिए कि अभिनेता उन्हें सहज ही आत्मसात कर सके और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत कर सके। मतलब नाटक में जो घटनाएं हैं वे बहुत ही स्वाभाविक होनी चाहिए, संवाद भी बहुत ही सरल और सहज होने चाहिए, ताकि जो अभिनेता है उसे सही ढंग से अभिनीत कर सकें और स्वाभाविक रूप से उसे मंच पर प्रस्तुत कर सकें। संवाद बोल देना ही अभिनय की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता कि किसी संवाद को किसी अभिनेता ने बोल दिया, उनके अनुकूल शारीरिक मानसिक चेष्टाएं और भावों का अभिनय अपेक्षित होता है। आपने कई फिल्म एक्टर्स या फिर हीरोइन हीरो हीरोइन देखे होंगे जो अपने संवाद तो बोल देते हैं, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन हैं उनके शब्दों से मैच नहीं करते हैं, मतलब उनकी भावनाएं अलग दिखाई देती है और उनका डायलॉग अलग होता है। तो ऐसा होना चाहिए संवाद कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उनके जो जेस्चर्स हैं, जो हाव भाव, जो चेष्टाएं कर रहे हैं, उसे मैच करता हुआ उनका डायलॉग होना चाहिए। इसके लिए लेखक द्वारा दिए गए रंग निर्देश सहायक होते हैं। तो इसके लिए जो नाटककार है वो वहां पर बीच में रंग निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि यहां पर यह मुस्कुरा कर बात करना है, यहां पर हंसकर बात करना है, यहां पर डायलॉग ऐसे बोलना है, यहां पर दुख व्यक्त करना है, पीड़ा और या कुंठा या संतरास की यहां पर अभिव्यक्ति करनी है। तो ब्रैकेट में लिख के बता देता है कि आपको इस तरह से एक्टिंग यहां पर करना है। रंग निर्देश ऐसे हों कि अभिनय को अधिक सजीव बनाने में निर्देशक तथा रंगकर्मियों के सहायक हों। तो जो छोटे छोटे जो टिप्स दिया रहता है, जो डायरेक्शन दिया रहता है नाटककार ने, वह कैसा होना चाहिए? जो डायरेक्टर है उसको उसमें क्या बोलते हैं, आसानी होनी चाहिए, और रंगकर्मी जो होते हैं, जो नाट्यकर्मी होते हैं, उनको भी उससे सहायता मिलनी चाहिए कि भैया किस तरह का एक्सप्रेशन हमें देना है, किस डायलॉग के साथ। दृश्य परिवर्तन इस तरह ना हो कि मंच पर साज सज्जा को बार बार बदलने की जरूरत पड़े। बार बार आप दृश्य बदल रहे हैं तो पूरा एक बार सामान हटा कर ले जा रहे हैं, फिर दोबारा सामान लेकर आ रहे हैं, तो बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न सुदूर स्थलों को एक के बाद एक करके मंच पर प्रस्तुत करने से गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अब एक बार आप यहां पर दिल्ली की घटनाओं को दिखा रहे हैं, दूसरे बार मुंबई को दिखा रहे हैं, फिर आप आगरा को दिखा रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए।
दृश्य संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दृश्य होने से भी क्या है दर्शक को समझ नहीं पाते है ना। अंक विभाजन और दृश्य विभाजन समुचित हो, मतलब नाटक का जो अंक का विभाजन होता है दो अंकों, एक अंक हुआ फिर दो अंक हुआ तीन हुआ, और अंकों के अंदर में होते हैं दृश्य, तो बहुत ज्यादा दृश्य भी विभाजन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंकों का भी विभाजन नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत से नाटककार बार बार दृश्य परिवर्तन उपयुक्त नहीं समझते और केवल अंक परिवर्तन ही प्रस्तुत करते हैं। तो आजकल के जो नाटककार हैं वे बहुत ज्यादा एक अंक के अंदर बहुत सारा दृश्य नहीं रखते बल्कि सिर्फ अंक रखते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, इस तरह, तो वे ज्यादा दृश्य नहीं रखते हैं। अब आजकल एक संकलन त्रय भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से संकलन त्रय। संकलन त्रय माने यानी स्थान, काल और कार्य की एकता की योजना भी मंचन की दृष्टि की सुविधा की दृष्टि से अपेक्षित मानी गई है। स्थान मतलब किस स्थान से संबंधित है नाटक और कौन से काल से संबंधित है और वह काम कैसा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है वो स्थान हो गया, काल कौन सा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड हो गया, और कार्य क्या हो गया कि उस समय जो जीवन यापन जैसा वे करते थे जैसा वे रहते थे। इनकी योजना भी, इनमें हार्मनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यद्यपि नाटककारों ने इस बंधन को सदैव स्वीकार नहीं किया बल्कि नाटककार कहते हैं कि यह सब चीजें बहुत जरूरी नहीं है, इसके बिना भी प्रभावपूर्ण और कालजयी नाटक लिखे गए हैं। कालजयी नाटक क्या होते हैं, कालजयी जो जिन पर किसी समय और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, भारत में जितने लोकप्रिय होंगे उतने विदेशों में भी लोकप्रिय होंगे, जिस पर समय का जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं कालजयी। पश्चिम की इस संकल्पना को शेक्सपियर ने भी नहीं माना, शेक्सपियर भी नहीं मानते कि स्थान, काल और कार्य की एकता जरूरी है। इसके बाद प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य, किसी नाटक को लिखने समय, लिखते समय नाटककार का उद्देश्य क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है ना। तो देखते हैं किसी भी रचना के पीछे रचनाकार की रचना दृष्टि निहित होती है। कोई भी रचनाकार या नाटककार कोई रचना लिखता है तो निरुद्देश्य नहीं लिखता, उसका कुछ उद्देश्य होता है। रचना जिस उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर की जाती है अथवा रचनाकार उसके माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है वही उस रचना का प्रतिपाद्य होता है। जिन उद्देश्यों को लेकर नाटककार नाटक की रचना करता है अथवा जिस अपने नाटक के माध्यम से वह जो कुछ कहना चाहता है उसे ही हम नाटक का प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य कहते हैं। प्रतिपाद्य के आधार पर ही कृति का महत्व अथवा उसकी मूल्यवत्ता निर्धारित होती है। जैसे हम ध्रुव स्वामिनी देखते हैं कि नारी मुक्ति का संदेश उन्होंने दिया है ध्रुव स्वामिनी में, या फिर हम आधे अधूरे देखते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, हाँ, जो आधुनिक समाज की जो विसंगति, जो टूटते हुए परिवारों की विसंगति है उसको आधे अधूरे में प्रकट किया गया है मोहन राकेश के द्वारा, तो इसी के माध्यम से कि उसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में कितना सफल रहा है इसी के आधार पर ही उसका गुणवत्ता, उसकी मूल्यवत्ता, उसका वैल्यू निर्धारित होता है। उसमें निहित जीवनानुभव कि उसमें जीवन के कितने अनुभव समाविष्ट हैं, मानवीय मूल्य कितने भरे हुए हैं और मानवीय संवेदना, उसमें कितनी मानवीय संवेदना है, यह सब मिलकर ही उसकी प्रासंगिकता को निर्धारित करते हैं। और संस्कृत नाटक जो है, संस्कृत नाटकों में इसलिए वस्तु और नेता से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। रस मतलब होता है अनुभूति, किसी की भावनाओं को महसूस करना, फीलिंग को महसूस करना, उसके आनंद को महसूस करना, किसी कृति में जो निहित अनुभूति है उस अनुभूति को, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को महसूस करना, इसे रस कहा जाता है। और इसलिए संस्कृत नाटक में रस को ज्यादा महत्व दिया गया है। और वस्तु मतलब कथा वस्तु और नेता मतलब अभिनेता, इनसे अधिक महत्वपूर्ण रस को माना गया है। रस की प्रक्रिया में रचनाकार द्वारा अनुभव किए गए सत्य को नाट्य रचना द्वारा पाठक या दर्शक तक संप्रेषित किया जाता है। तो रस की प्रक्रिया क्या होती है, रस की प्रक्रिया के माध्यम से जो नाटककार के द्वारा जो अनुभूत सत्य है, नाटककार ने जिस सत्य को की अनुभूति की है उस अनुभूति को वह पाठकों तक पहुंचाता है, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाता है और उनकी अनुभूति के साथ वह साधारणीकरण करता है और इस प्रक्रिया को ही रसानुभूति कहा जाता है। नाटककार की जब अनुभूति से जो श्रोता अथवा दर्शक है उसकी अनुभूति का जब हार्मनी हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, तब इसे कहा जाता है रसानुभूति। पश्चिम के नाट्य सिद्धांतों में करुणा और त्रास के माध्यम से विरेचन या भाव परिष्कार करना त्रासदी का उद्देश्य माना गया है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत आपने पढ़ा है कि करुणा और त्रास के माध्यम से हमारे मन में जो दूषित भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाता है और इसके बाद हमारा मन शांत हो जाता है, ना, निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो पश्चिम के नाटक का यह उद्देश्य है। ये दोनों दृष्टियां वस्तुतः नाटक के उद्देश्य को केंद्र में रखकर चलती है। तो यहां पर यह जो दृष्टिकोण है वहां पर रस की अनुभूति, रसानुभूति है, और यहां पर करुणा और त्रास के माध्यम से हमारे मन की भावनाओं का जो परिष्कार होता है, ये दोनों ही दृष्टिकोण
वास्तव में नाटक के उद्देश्य को प्रकट करती हैं कि वास्तव में नाटक का यही उद्देश्य होता है। आधुनिक नाटककारों ने सिद्धांतों के जटिल बंधन को अस्वीकार कर दिया है, किंतु किसी नाटक में जो अनुभूति अथवा जीवन सत्य प्रतिपादित किया गया है वह समाज के लिए किस दृष्टि से प्रासंगिक और उपयोगी है, इस प्रश्न का उत्तर ही उस नाटक के महत्व को निर्धारित करता है। तो वास्तव में वर्तमान में जो नाटककार हैं उन्होंने पुराने सभी बंधनों को तोड़ दिया है, वे अपने नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसी नाटक में जीवन की अनुभूति को, है ना, जीवन की संवेदना को, मानवीय दृष्टिकोण को, मानवीयता को, मानव मूल्यों को जिस प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, इसी के आधार पर ही हम कहते हैं कि कोई नाटक कितना प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है और कितना मूल्यवान है, और यही उसके मूल्य को निर्धारित करता है। उसमें प्रस्तुत भावबोध मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस, मना स्थितियां मतलब अलग अलग मेंटल डिस्पोजिशन, परिस्थितियां और वास्तविकताएं, रियलिटीज ऑफ द लाइफ, जीवन के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों या समस्याओं को किस हद तक उजागर करती है, उन पर सोचने के लिए मजबूर करती है, यह मानव मूल्यों को उद्घाटित और स्थापित करती है, उस हद तक ही वह समाज नाटक के लिए सार्थक और प्रासंगिक कहा जाएगा। तो कोई भी नाटक प्रासंगिक और सार्थक कब कहा जाएगा, जब वह हमारे जीवन की समस्याओं को उजागर करेगी, उसका समाधान करेगी, हमारे मन की स्थितियों को उजागर करेगी, सामाजिक परिस्थितियों को उजागर करेगी, समस्याओं के प्रति सोचने के लिए, उनका समाधान ढूंढ कर लाने के लिए हमें मजबूर कर देती है, है ना, हमें मजबूर करती है और जीवन के सत्य को पूरी तरह से उजागर करती है, तभी वह कहा जाएगा कि यह नाटक पूरी तरह से समाज के लिए सार्थक है, उपयोगी है और प्रासंगिक है। नाटक के विभिन्न पात्र अपनी अपनी स्थितियों में जो भी कहते हैं और करते हैं उनके उसके भीतर निहित आशय को पकड़ने पर ही इस लेखक की दृष्टि का पता लगाया जा सकता है। तो प्रतिपादित उद्देश्य का पता कैसे चलता है, विभिन्न पात्रों को जो संवाद है, उनकी जो मना स्थितियां हैं, उनके जो डायलॉग हैं, एक दूसरे के साथ आपस में जो संबंध है, उनके जो कहने का जो आशय है, इन बातों को जब हम समझ जाएंगे तभी हम नाटककार के उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य से भली भांति परिचित हो सकते हैं, नाटककार के उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य को पकड़ सकते हैं। कभी कभी तो लेखक स्वयं समाधान प्रस्तुत करके अपने उद्देश्य को सीधे स्पष्ट कर देता है, किंतु कभी कभी वह केवल समस्या को उभार कर छोड़ देता है। कई नाटककार ऐसे होते हैं जो वे समस्याओं के बारे में उल्लेख तो करते हैं, लेकिन उल्लेख करने के साथ साथ वे इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुछ नाटककार ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ सामाजिक समस्याओं के बारे में, बुराइयों के बारे में सोचने के लिए केवल मजबूर करते हैं, लेकिन हमें कोई समाधान नहीं देते। दर्शक के मन में उस समस्या के प्रति बेचैनी या आकुलता मात्र उत्पन्न कर देते हैं और दर्शक से अपेक्षा करता है कि जीवन में उठने वाले प्रश्नों या समस्याओं का समाधान वह स्वयं ढूंढे। कुछ नाटककार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में झंझावात पैदा कर देते हैं, एक बेचैनी उत्पन्न कर देते हैं, असंतोष और कुंठा और संतरास उत्पन्न कर देते हैं, और वे चाहते हैं कि आपके मन में ये जो प्रश्न उठे हैं, जो समस्याएं उठी हैं, उनका समाधान आप स्वयं करें, इन समस्याओं इन प्रश्नों का निराकरण आप स्वयं करें और समाधान स्वयं ढूंढें। जैसे रीढ़ की हड्डी एकांकी नाटक है, एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर जी का, उन्होंने ऐसा ही किया है इसमें। इसी प्रकार मराठी के एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार हैं विजय तेंदुलकर, उनकी नाटकों में भी इसी प्रकार की बातें देखी जाती हैं। और जैसे ऐतिहासिक नाटकों का जो उद्देश्य होता है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इतिहास की घटना की पुनरावृत्ति मात्र लेखक का उद्देश्य नहीं होता, उसके माध्यम से लेखक वर्तमान के किसी प्रसंग, समस्या या परिस्थितियों को उजागर करता है। तो जब हम ऐतिहासिक नाटकों का अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि जो हमारा नाटककार है वह केवल हमको इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि इतिहास की घटनाओं को प्रतीक बनाकर वह वर्तमान समय की प्रासंगिक समस्याओं को ही ऊपर उठा रहा है, किसी राष्ट्रीय समस्या को उठा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे जब हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रोद्धार के प्रश्न को उठाया है, क्योंकि उस समय भारत परतंत्र था और आजादी की लड़ाई जारी थी, तो इस नाटक के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के उद्धार के प्रश्न को उठाया है। यूनानी आक्रमण से देश की रक्षा और नंद के अत्याचारपूर्ण शासन में शोषित जनता के उद्धार के प्रश्न, ब्रिटिश शासन और औपनिवेशिक शोषण से भारतीय जनता की मुक्ति की समस्या के संदर्भ में पर्याप्त प्रासंगिक और समसामयिक है। तो जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में बताया कि यूनानी लोग आक्रमण करते हैं और जो नंद है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो नंद जो शासक है वह लोगों पर अत्याचार करता है, उसी प्रकार उस समय औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनी बनाकर रखे थे अंग्रेज लोग और वे भारतीयों पर अत्याचार करते थे, तो उनके आतंक से, उनके शोषण से मुक्ति प्रदान करना, भारतीय जनता की मुक्ति का प्रश्न, तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए यह प्रासंगिक है। अतः इतिहास की घटनाओं की मूल्यवत्ता उसके वर्तमान संदर्भों के कारण है। तो यहां पर जो इतिहास की घटनाएं किस लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि वे वर्तमान समय में भी उसी प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं और अंग्रेजों को भगा देना, अंग्रेजों से भारत को आजाद करना उस समय मतलब राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के उद्धार का प्रश्न सर्वोपरि हो गया था, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं से मेल खाता है। किसी नाटक में प्रतिपाद्य को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए नाटक को ध्यान से पढ़ना या मंच पर उसकी प्रस्तुति देखना आवश्यक होता है। मतलब किसी भी नाटक के उद्देश्य को समझने के लिए, उसके प्रतिपाद्य को समझने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए या तो हमको नाटक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा या फिर हम मंच पर उसकी प्रस्तुति देखेंगे, उसका मंचन देखेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि किसी नाटक का क्या उद्देश्य है अथवा क्या प्रतिपाद्य है। अब हम निष्कर्ष, किसी भी परीक्षा में निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तव में मैं आप लोगों को आज नाटक के सभी तत्वों के बारे में बता रहा था और जो निष्कर्ष लिखते हैं कि ऊपर आपने जिन भी चीजों का आपने उल्लेख किया है उसको सार संक्षेप में यहाँ पर लिख देना होता है, वही निष्कर्ष होता है। तो अब मैं बता चुका हूं, इसको मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं डालूंगा, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो सिर्फ मैं आपको पढ़कर यहां पर बता दूंगा। हिंदी नाटक के स्वरूप निर्माण में भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही नाट्य दृष्टियों का योगदान रहा है, अतः भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों की संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है, जैसा हमने ऊपर अध्ययन किया है। तो भारतीय जो नाट्य सिद्धांत है वे संस्कृत नाटकों के आधार पर निर्मित हुए थे और जो पश्चिम के जो नाट्य सिद्धांत है वे क्या है, यूनानी नाटक के आधार पर निर्मित हुए थे। और भारतीय आचार्य ने नाटक के तीन अनिवार्य तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु का अर्थ है कथा वस्तु, नेता का मतलब है पात्र और रस का अर्थ है यानी रचना से उत्पन्न होने वाला प्रभाव या उसकी अनुभूति, कि हमको नाटक को देखकर या सुनकर या पढ़कर कैसा महसूस होता है। अर्थात रचनाकार द्वारा जो अनुभूत सत्य है, रचनाकार ने नाटककार ने जिस सत्य की अनुभूति की है उसे दर्शकों और पाठकों तक पहुंचा देना, दर्शकों या पाठकों के द्वारा उसको महसूस करना, इसे कहा जाता है रसानुभूति। और पाश्चात्य आचार्यों ने, जो पाश्चात्य आचार्य हैं, उन्होंने नाटक के छह तत्व माने हैं, कथा वस्तु मतलब प्लाट, पात्र मतलब कैरेक्टर और देश काल मतलब जो एनवायरमेंट, संवाद, डायलॉग्स, शैली मतलब स्टाइल और उद्देश्य मतलब उसका ऑब्जेक्टिव, ये छह तत्व माने हैं। इसके अलावा वे तीन संकलन त्रय भी मानते हैं कि इन तीनों चीजों में भी सामंजस्य होना जरूरी है, नाटक में स्थान का, समय का और काल का, इन तीनों की एकता, इन तीनों की यूनिटी या हार्मनी भी बहुत ही जरूरी है। नाटक का स्वरूप परंपरा और प्रयोग के आधार पर निर्मित और रूपांतरित होता रहा है। आज हम नाटक के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं तो परंपरा से हमें कुछ बातें मिली हैं, लेकिन परंपरा से मिली वो सब तो ठीक है, लेकिन नए नए प्रयोग के द्वारा भी नाटक का स्वरूप निर्मित होता रहा है। हिंदी नाटक के स्वरूप निर्माण में भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही नाट्य दृष्टियों का योग रहा है। मतलब जब हम भारतीय नाट्य दृष्टि का निर्माण के स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं या हिंदी नाटक के स्वरूप के बारे में जब हम बात करते हैं तब इसके निर्माण में भारतीय नाट्य दृष्टि और पाश्चात्य नाट्य दृष्टि दोनों का ही बराबर योगदान रहा है, अतः इसके स्वरूप निर्माण में इन दोनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने नाटक के तत्वों का को भली भांति समझ लिया होगा। मैं डिटेल में इसलिए बताता हूं ताकि आपके मन में कोई जिज्ञासा ना रहे और जो भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊं आप भली भांति पूरी तरह से समझ सकें। तो अब यदि नाटक की तात्विक समीक्षा लिखना आएगा तो इन बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी नाटक की तात्विक समीक्षा लिख सकते हैं। कुछ नाटकों की तात्विक समीक्षा मेरे यहां पर देख भी सकते हैं, मेरे उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मेरा समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही यदि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तब इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसे जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।